उम्मीद से कम खड़खड़ा रही है भाई साहब ये गाड़ी। सही कह रहे हो आप, उम्मीद बहुत ज्यादा थी कि बहुत ज्यादा खड़खड़ाएगी। टायर कट गया तो पैसे की जिम्मेवारी हमारी नहीं। कोई बात नहीं, मजे करें ना। भाई तो मतलब ये बड़ी पसंद आई मेरे को, गुजरात के जो लोगों की बात है ना, ये बड़ी पसंद आएगी। जो मर्जी हो, जूस जूस पूरा निकालना है। हम लोग जो है वो चेक कर रहे हैं दोस्तों, बैक टू बैक गाड़ी जैसे चला रहे हैं, ये एक्सयूवी चलाई थी जैसे कि आपको इनोवा वाले वीडियो में बताया था। तो भाई साहब बता रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो ज्यादा जगह है, फ्रंट रो ज्यादा पीछे तक जाती है, जो कि थोड़ी बहुत है भी है ना इसमें, थोड़ा सा थोड़ा सा आपको इसके अंदर जो ज्यादा पीछे तक जाती है वो सीट। इसमें ये है देखो, उसमें पूरा पीछे करने के बाद भी जो है मेरे हाथ जो है मुड़े रहते थे, इसमें पूरे स्ट्रेट हो जा रहे हैं। 2012 वेरिएंट है वैसे ये, और कितनी चल चुकी है? 1,71,000। मतलब कि फुल पैसा वसूल जो है इन्होंने कर रखा है, इसलिए तो अच्छी नहीं लगती आपको गाड़ी। अच्छी लगती मैं ना कहाँ बोलूँ। बहुत प्यार है भाई साहब को, तरुण जी को इस गाड़ी से। और पिछली सीट में भी इनोवा से काफी बेटर फीलिंग है इसमें। अच्छा, वैसे पहले आप लोगों को शायद अभी ब्लैक कलर में दिखाई देती होगी इंटीरियर, पहले इसी के अंदर आता था, बेज कलर में ही आता था। यार ब्रेक में तो जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का है, तो उसके भी बीच में 8 साल का गैप भी है ना। हाँ, वैसे इस गाड़ी में जो है एसी नहीं चल पा रहा है, एसी हो गया और क्या क्या नहीं चल रहा है अभी फिलहाल। अभी अभी फिलहाल एसी ही नहीं चल पा रहा है, बाकी सब कुछ चल रहा है। तो क्या हुआ कि चूहों ने वायर काट दी है, अब ये भी बंद हो गया। नहीं, वॉल्यूम डाउन करिए, वॉल्यूम डाउन करो। अच्छा, थोड़ी देर पहले मेरी बात भाई साहब से बात हो रही थी, उनका कहना है कि पहले मेरा इसको बेचने का प्लान था, अभी मैंने होल्ड कर दी है गाड़ी, और जैसी नई वाली XUV500 आएगी मैं तुरंत उठा लूँगा उसको, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस गाड़ी के साथ है। ऐसा क्यों? एक तो मुझे इनोवा से बेटर गाड़ी लगी, क्वालिटी के वजह से नहीं पर परफॉर्मेंस की वजह से बराबर, और इसकी कंफर्ट लेवल भी इनोवा से काफ़ी बेटर है। तो इनोवा क्या निकाल दोगे क्या? नहीं, इनोवा तो अभी नहीं लिए तो अभी उसका पूरा जूस निकलेंगे ही। भाई तो मतलब ये बड़ी पसंद आई मेरे को, गुजरात के जो लोगों की बात है ना, ये बड़ी पसंद आई कि जो मर्जी हो जूस जूस पूरा निकालना है। सही बात है, 20 लाख के खर्चा किया तो पूरा वसूल तो नहीं पड़ेगा। गुजरात से है, ऊपर से हो गए व्यापारी हो रहे है। अच्छा, 1,71,000 ये चल चुकी है, अभी इसमें क्या क्या चेंज हो चुका है मोटे मोटे तौर पे बताएंगे आप? जैसे ब्रेक पैड रेगुलर सर्विस पर चेंज होता है। अच्छा। और एक बार इंजन की वो बेल्ट चेंज हुई थी, टाइमिंग बेल्ट हो गया। हाँ। और वैसे तो और कुछ मेजर कुछ चेंज नहीं हुआ है। ब्रेक पैड कितने टाइम पे चेंज होते हैं? 30-35,000 किलोमीटर पर। और सर्विस में कितना खर्चा आता है? अभी तो आप बता रहे थे कि हम बाहर करवाते हैं सर्विस, तो वहाँ बाहर कितना आता है खर्चा? और उसके अंदर बाहर वाला मुझे 6,000-7,000 रुपए में सर्विस कर देता है। अच्छा, वही सेम कंपनी में 12,000-15,000 होता है, पर मैं मानता हूँ कि कंपनी में उसके रूल्स के हिसाब से वो सब फॉलो करते हैं, तो चेक पॉइंट ज्यादा चेक होते होंगे। बिल्कुल 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 सही बात। पर अभी इतने टाइम से मैं चला रहा हूँ तो जैसे गाड़ी का मुझे एक एक पार्ट का पता है कि इस जगह पे यही इश्यू आया है। तो ये बताइए कि इतनी चाहिए थी गाड़ी आपकी, आप इसको ऑथराइज सर्विस सेंटर में क्यों नहीं करवाते सर्विस? नहीं, वो ज्यादा महंगे है और फिर भी सेटिस्फाइड उनका काम होता नहीं है। अच्छा, और सेम डे पर मुझे गाड़ी कभी भी मिली नहीं है। ओके, महिंद्रा की सर्विस कैसी है आपकी नजरों में यहाँ पर? मैं मानता हूँ कि मैं उनको अगर मार्क्स देना चाहूँ तो 10 में से 4-4.5 मार्क ही देना चाहूंगा। बहुत तेरी, अच्छा ये तो बहुत खराब रेटिंग है यार। और इसके हाँ चारों सस्पेंशन चेंज हुए हुए हैं। वारंटी में है वैसे? नहीं, वैसे ही, क्योंकि अभी XUV में 1,00,000 किलोमीटर के बाद इसकी सस्पेंशन
चले ही जाते हैं, खत्म हो ही जाते हैं। क्योंकि हम लोग इस टाइप से वीडियो बना रहे हैं ना, ताकि जो बंदा एक्सयूवी सेकंड हैंड के तौर पे लेना चाहता है तो उसको क्या क्या करवाना पड़ेगा, उसके सामने क्या क्या खर्चे आ सकते हैं। हाँ, अगर 1,00,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है तो समझिए कि अराउंड 50,000 रुपए का तो वो खर्चा है ही है, चारों सस्पेंशन का। अच्छा, एक्सयूवी में वो 1,00,000 किलोमीटर में वो निकल ही जाता है। अभी पुणे के पास वो ARC करके कोइल स्प्रिंग बनाते हैं, उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। और जो उनकी वो डालने के बाद इसका जो कंफर्ट लेवल है वो इनोवा जैसा हो जाता है। अच्छा, हाँ, इनोवा से तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल बताते हो, फिर कंफर्ट लेवल इनोवा जैसे क्यों करवा रहे हो? नहीं, वो जो सस्पेंशन ये जो ज़्यादा झूलती है ना। अच्छा, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। अच्छा, बट तूने एक चीज़ रियलाइज करी कि ये थोड़ा सा ना जैसे गड्ढे आ रहे हैं तो यूं यूं करके झूल रही है गाड़ी। अभी तुम नोटिस करना, कभी ब्रेकर आएगा ना, ये है ना, थोड़ा सा इसका कंफर्ट साइड में है सस्पेंशन। जनरली एक्सयूवी तो सीधे कूदती है, बिल्कुल हार्ड होते हैं, बट इंजन की परफॉर्मेंस ना लगभग वैसी सी है, ज्यादा अंतर नहीं आया है। आराम से ब्रेक नॉर्मली है इसके। जो ब्रेक है ना वो गाड़ी के जो चलाता है उसको एक हैबिट हो जाती है कि इसके ब्रेक ऐसे ही वर्क करते हैं, तो जब चलाते तो एक हैबिट हो जाती है। वो इनोवा के बाद डायरेक्ट इसमें आएंगे ना तो ज्यादा डिफरेंस पता चलेगा ही चलेगा। ये बताइए कि जो इसके सस्पेंशन है कितने लाख किलोमीटर में चेंज हुए थे, अभी कितना टाइम हो गया उसको चेंज हुए? मैंने लगभग 1,10,000 से 1,05,000 के आसपास चेंज किए थे। बट आपको नहीं लगता कि उस सस्पेंशन के चेंज होने के बाद इसकी स्टेबिलिटी में कुछ फर्क आया है, मतलब कि उतनी ज्यादा खास नहीं रही? क्योंकि तो अगर मैं देख रहा हूँ ना कि झूल रही है गाड़ी। हाँ, झूल तो रही है, बिल्कुल झूल रही है। कंफर्ट के लिए आपने इस चीज का कॉम्प्रोमाइज कर लिया? पर ये गाड़ी अभी हम 3 जन है इसीलिए, बाकी ये जब फुल 7 जन के साथ ये गाड़ी होगी ना, हाँ, तो ये जो ज्यादा झूल रही वो उसका काफी कम हो जाएगा। मेरे हिसाब से इसके जो सस्पेंशन है ना, हाँ, वो इसी तरफ से कंपनी से ही वैसे ट्यून आते हैं कि इसमें जो फुल लोड के साथ है ये ज्यादा बेटर रोड स्टेबिलिटी और ग्रिप के साथ रहती होगी। हाँ, तो ज्यादातर इसको लोड के साथ चलती है ना ये? हाँ, हमारा तो पूरा लोड के साथ ही चलती है, तो उस टाइम इतना झूलती नहीं है, चिपक कर चलती है एकदम। अच्छा, नई वाली एक्सयूवी चला करके देखी है आपने? हाँ। कैसी लगी आपको? उसमें भी सेम फीलिंग ही है, सेम ही उसकी ब्रेक है। इससे ज्यादा काफी ज्यादा इंप्रूव है। इनोवा के कंपैरिजन में तो बहुत ही लाइट है यार ये स्टीयरिंग ना, और उस हिसाब से रिस्पांस भी अच्छा दे रहा है। कभी रेट लगाने की कोशिश करी है आपने? अभी इसके मैंने जब इनोवा ली उसी टाइम मैंने एक बार इंक्वायरी की थी तो वो 4,500-5,00,000 बता रहे थे। अच्छा, कोई नहीं, मैं अभी जब तक निकालूंगा तब तक ये 2,50,000 तो चला ही लूंगा। अच्छा अच्छा, फिर मीटर बैक करके निकालोगे या ऐसे ही निकालोगे? नहीं नहीं, वैसे ही दे दूंगा। नहीं, आप कर सकते वैसे ही, क्योंकि कर तो सकते, क्योंकि आपकी बाहर से सर्विस हुई है तो कोई सर्विस रिकॉर्ड तो होगा नहीं। फिर भी ना ठीक है सस्पेंशन, उतने ज्यादा स्टिफ नहीं है इस गाड़ी के, या फिर वो मतलब उसने अपनी यूटिलिटी जो है जितनी देनी थी दे चुका है वो, अब थक गया है वो भी हो सकता है। उम्मीद से कम खड़खड़ा रही है भाई साहब ये गाड़ी। सही कह रहे हो आप, उम्मीद बहुत ज्यादा थी कि बहुत ज्यादा खड़खड़ाएगी। भाई साहब कह पूछ रहे हैं कि किसका सीटिंग कंफर्ट अच्छा है, तो इसकी सीटों में पकड़ अच्छी है और नंबर सपोर्ट हो गया, सपोर्ट है, मतलब सारी कुछ चीजें है ना, आप मतलब कितनी भी स्पीड में चला लो गाड़ी को जकड़े रखेगी, और इसकी सीटें भी पीछे जो है रिक्लाइन हो जाती हैं। ये देखिए मैं पूरा ये पैर पर फैला के बैठा हूँ, जबकि इतना स्पेस इनोवा में नहीं रहता है, फुल पीछे किसी फुल बैक करने के बाद भी। एक बार इंजन बंद करके ये गियर का वाइब्रेशन भी दिखा दीजिएगा। अरे क्या बात है भाई, वही जो आपको कभी क्रिस्टा मैनुअल मिले तो वो भी एक बार दिखाना, एकदम जीरो, बहुत ना के बराबर। यस, अच्छा इसके अंदर जो है वो मूड लाइट्स वगैरह भी आती थी जब, यहाँ लाइट आती है, हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल है, ये ESP वगैरह है इसके अंदर, ESP है, एक्टिव बॉडी रोल ओवर कंट्रोल है। कितने में ली थी उस टाइम आपने? कब उस टाइम तो ये मुझे याद भी नहीं है, लगभग 13.5-14 के आसपास की थी। अच्छा, अरे जब ये निकली थी ना भाई साहब, इतना मतलब इतना ब्लैक हुआ था इस गाड़ी के ऊपर, 1.5-2 लाख रुपए लोग देख करके सिर्फ, और फिर उसके बाद गाड़ियां उठा रहे थे। कई लोग ऐसे भी थे एक्चुअल में थे कि जो फॉर्च्यूनर कैंसिल करके और फिर ये ले रहे थे,
क्योंकि ये लुक वाइज बहुत बढ़िया थी, ठीक है, और इन्होंने जो मार्केटिंग करी थी ना इस गाड़ी की, सॉलिड वाली करी थी। फिर इसके अंदर कुछ दिक्कतें भी आनी स्टार्ट हुई थी, हाँ। फिर महिंद्रा थोड़ा सा जागरूक हुआ, उन्होंने दिक्कतें खत्म करी, लोगों की सुनी थी उन्होंने, ठीक है। R&D मेरे ख्याल से थोड़ी कम करी होगी, R&D के लिए लोगों का इस्तेमाल उन्होंने करा। अच्छी बात यह है कि महिंद्रा सुन के दूर कर देता है, खराब बात यह है कि टाटा सुन के भी दूर नहीं करता। बात ये चीज आ जाती है यहाँ पर। और इस गाड़ी में स्टोरेज स्पेस जो है वो भी काफी ज्यादा दिए हुए, अभी वहाँ पर ऊपर नीचे है या सेंटर में है। ये वाला स्क्रीन के ऊपर भी है, ये यहाँ पर भी है। ये बंद हो जाता है इजीली? हाँ हाँ बिल्कुल हो जाता है। और ये भी, ये जो ये बॉक्स है वो कूल रहता है, अभी तो एसी बंद है इसीलिए। मेरे को पता है क्या लग रहा है, जो इसमें टायर लगे हैं ना उसका भी बहुत बड़ा रोल है, योगदान होगा। यस, इसमें लगे हैं मिशलिन के प्रीमेसी टायर, वो बहुत ही मतलब कंफर्टेबल टायर हैं और बहुत ही प्रीमियम टायर भी हैं और रोड नॉइज ना के बराबर करते हैं। और एक टायर की कॉस्ट है 15,000 रुपये XUV की। मैं आपको सही बता रहा हूँ यार, 1.71 चली है, उस हिसाब से ये बहुत कम खड़खड़ा रही है। लोगों ने लाख तक नहीं चलाई और वो इतनी खतरनाक खड़खड़ाई है, 2015 वेरिएंट, 2014 वेरिएंट। अब कोई भी हमसे ये क्वेश्चन भी करता है, हम सबको मतलब कि मोस्टली को मना करते हैं कि 2015 से पहले वाली XUV मत लेना भाई। रवि भाई, कहीं पर कोई पत्थर पत्थर दिखे तो उसके ऊपर आराम से आप चढ़ाओ। अब ये यही पत्थर है ना, वो आप सिर्फ फर्स्ट गियर में ले लीजिए और एक्सलेटर मत देना। खाली टायर कट गया तो पैसे की जिम्मेवारी हमारी। कोई बात नहीं, मजे करें ना। खाली क्लच छोड़िएगा। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा था भाई। यस हाँ, तो ये तो आपकी इनोवा भी कर देगी आराम से। नहीं, इनोवा मैनुअल में भी आप क्लच छोड़ के वो पत्थर नहीं चढ़ेगी। और ये मैंने चेक किया कि 45 डिग्री मेरा अहमदाबाद में जो स्टोर है ना वहाँ उसका बेसमेंट में पार्किंग है, तो जब जब चढ़ाते हैं तो खाली फर्स्ट गियर में खाली क्लच के ऊपर ही गाड़ी चढ़ जाती है। कहने की बात ये है कि इन्होंने एक बेहतरीन कोशिश करी थी XUV के साथ में, लेकिन अभी जो नई आने वाली है वो भी काफ़ी अच्छी आएगी गाड़ी आपके लिए, तो वेट कीजिए। और भाई साहब तो वेट कर ही रहे, ठीक है, तो उन्हीं को एक्सचेंज में दे दोगे आप ये गाड़ियाँ? इसमें जो है 6 एयरबैग भी आते हैं। 6 एयरबैग के साथ है, मतलब इस गाड़ी में सब कुछ है। और कीमत भाई साहब ने वसूल ली है, नई XUV जाने वाले हैं और हम जो है निकलते हैं यहाँ से। भाई साहब से मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपने जो है जेन्युइन तरीके से गाड़ी का जो है ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करा। अगर आप भी अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं किसी भी गाड़ी का तो बिल्कुल कर सकते हैं हमारे साथ। नीचे जो ईमेल आईडी आ रही है वहाँ पर आप हमें ईमेल करिए, हम आपका रिप्लाई देंगे जब हमें आपके शहर की तरफ आना होगा। ये मत समझना कि आपने ईमेल कर दिया और आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो हम फिल्टर आउट करते हैं उन सभी मैसेज को। तरुण की क्या अच्छी बात रही कि ये जो भी बता रहे हैं उन चीज़ों के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्गली बिलीव कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई ये है और ये चीज़ ऐसा नहीं, हमें भी एक्सपीरियंस करवा करके ये चीज़ दिखा रहे हैं कि ये देखो, ठीक है, तो गुड। और ऐसा नहीं, देखिए ये तीनों रूम में ये लाइटिंग LED लाइट दिए हुए हैं, ये 2012 के मॉडल में। अभी इनोवा मेरे ये 2018 दिसंबर फिर भी उसमें वो हेलोजन लैंप का दिया हुआ है। ये देखिए तीनों रूम है। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट ओनरशिप एक्सपीरियंस में। तो तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।